भलोटिया देवा मार्केट के प्रवेश द्वार पर शुक्रवार को पानी की टंकी, वॉश बेसिन लगाकर हैंड वॉश और सैनिटाइजर रखा गया। लगाए गए वॉश बेसिन में हाथ साफ कर लोगों को जागरूक करने का एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने की मौजूदगी में दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे और महामंत्री आलोक चौरसिया ने हैंड वॉश से हाथ धोकर सैनिटाइजर लगाकर दवा विक्रेताओं और उनके स्टाफ को प्रेरित किया। इस अवसर पर दवा विक्रेता समिति के उपाध्यक्ष राजेश तुलसियान, अनुराग अग्रवाल, कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, रोहित बंका, राजेश त्रिपाठी, राजेश सिंह, अवनीश अग्रवाल, सुशील चौखानी, अमित भालोटिया, अनिल गोयल टोनी, रोहित त्रिहन, सुनील सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दवा विक्रेता समिति गोरखपुर के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे ने कहा, सर लखनऊ से डिपो खुलवा के तमाम सीएनएफ से अपने गाड़ियों से गोरखपुर मैनेज करने की कोशिश की, ठीक है, मामला एकदम बढ़िया। योगेंद्रनाथ दुबे, अध्यक्ष दवा विक्रेता समिति गोरखपुर। कोरोना वायरस का जिस तरीके से संक्रमण देश और विदेश में चारों तरफ फैला हुआ है तो सभी लोग परेशान हैं। अभी देखने को मिला कुछ दिन पहले हमारे लखनऊ की दवा मंडी में कुछ कोरोना के संक्रमण हो गए और पूरी मंडी बंद हो गई। तो पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ से दवाएं पूरे पूर्वांचल में जाती हैं, तो अगर इस मंडी में कोई दिक्कत हो गई तो पूरे पूर्वांचल को दवा सप्लाई में दिक्कत हो जाएगी। हम लोग नित्य नए नए प्रयोग कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले गाड़ियाँ यहाँ से निकाली गई और मंडी पूरा हो गया, लाउड स्पीकर लगा है और जिससे सोशल डिस्टेंसिंग लगातार मेंटेन हो रही है। आज ये प्रक्रिया हुआ है, राजश्री बंसल जी हैं हमारे मेडिको सर्जिकल के, इनके द्वारा जो है, और अभी एसपी सिटी महोदय भी आए थे, तो ये पानी की टंकी रखी गई है, यहाँ हैंड वॉश रखा गया है, सैनिटाइजर रखा गया है। तो जो भी कस्टमर अगर मंडी में एंट्री कर रहा है इस संगठन में, वो पहले हैंड वॉश से हाथ साफ करता है, फिर सैनिटाइजर लगाता है और फिर वो अंदर जाता है। तो इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन यहाँ हो रहा है और सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिससे क्योंकि गोरखपुर अभी इस संक्रमण से बचा हुआ है, तो हम लोग खुद नहीं चाहते कि अपने जो है ज़िले में किसी प्रकार का संक्रमण का मरीज आए और दवा सभी लोगों को पूरे पूर्वांचल को सुचारू रूप से मिलती रहे। इसके लिए हम सभी लोग बहुत जागृत हैं। मेरे महामंत्री जी ने भी बड़ा प्रयास किया है, हमारे चेयरमैन साहब हैं और राजश्री बंसल जी का पूरा योगदान रहा है, जिसकी वजह से लगा है।